अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चने की दाल। चने की दाल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप चने की दाल, 1 बड़े साइज की प्याज इस तरह से, जिसे हमने छील के अच्छे से मिक्सर में पीस लिया है, हरा धनिया, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 छोटे चम्मच, और यहाँ पे सूखे मसाले लिए हैं, धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, और यहाँ पे हमने लिए हैं टमाटर 2 मीडियम साइज के, इन्हें मोटा काट लिया है, हरी मिर्च इन्हें भी हमने बीच से चीरा मार दिया है, कसूरी मेथी, और यहाँ पे हमने लिया है सूखे मसालों में कुछ मसाले, जिसमें तेज पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च, फूल, लौंग, ये सब चीज़ें हमने ले लिए हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच तेल ले लिया है कुकर में, और तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा। हम इसमें डाल लेंगे जो साबुत सूखे गरम मसाले लिए थे, ये तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, सूखे मसाले चटकने लगे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे ये दाल, इसे हमने 1/2 घंटा धोकर 1/2 घंटा भिगा लिया है, और डायरेक्ट इसे हम तेल में डालेंगे। इसे डायरेक्ट तेल में डालने से इसकी जो सोंधापन आता है ना दाल में, वो बहुत अच्छा लगता है। आधा से 1 मिनट के लिए इसे हम तेल में हल्का भून लेंगे दाल को। डायरेक्ट तेल में डालने से इसमें दाल में सोंधापन अच्छा आता है। 1/2 से 1 मिनट हो गया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, और इसे भी अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारी अच्छे से भून गई, अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसे भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। लहसुन अदरक प्याज जो है अच्छे से हमारे मसाले ये भून गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो सूखे मसाले हमने लिए थे, ये इसमें हम सिर्फ अभी गरम मसाला नहीं डालेंगे, गरम मसाला हम लास्ट में डालेंगे। तो ये बाकी के जितने मसाले हम ये सब ऐड कर देंगे साथ ही साथ। इसे हम 1/2 मिनट भून लेंगे सूखे मसाले डाल के। 1/2 मिनट हो गए सूखे मसाले डालकर भूनते हुए हमें, अब हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर और हरी मिर्च। इन्हें भी हम अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा हम पानी डालकर मसालों को और अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले जो है हमारे अच्छे से भून गए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं तेल मसालों में से तेल बाहर निकल चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 गिलास के करीब पानी डाल देंगे। 2 गिलास के करीब हम इसमें पानी डाल देंगे। दो गिलास पानी डालने के बाद अब हम इसमें ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाकर मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसमें 6 से 7 सीटी ले लेंगे। 6 से 7 सीटी हो चुकी हैं, इसका प्रेशर भी आउट हो चुका है। अब हम इसे खोलकर चेक कर लेंगे। एकदम परफेक्ट बनके तैयार हुई है हमारी दाल। अगर आपको यहाँ पर पानी कम लगता है दाल में, सूखी लगती है, तो आप यहाँ पे थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये जो मैंने गरम मसाला लिया था, ये, और ये साथ ही साथ डाल देंगे इसमें कसूरी मेथी, और इसे अच्छी तरह से हम मिला लेंगे।
अब हम इसमें दे देंगे दाल को तड़का। तड़का देने के लिए यहाँ पे मैंने 1 चम्मच तेल गरम कर लिया है। सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे राई। राई हमारी चटकना शुरू हो जाएगी। राई हमारी अच्छे से चटकने लगी है। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज। प्याज भी हमारी अच्छी तरह से हो चुकी है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता और जीरा डाल देंगे। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और ये जो साबुत लाल मिर्च ली थी इन्हें हम डाल देंगे। और इस तड़के को हम दाल में डाल देंगे और ढक्कन लगा देंगे। देखिए हमारी चने की दाल बनके तैयार हो गई है। बड़ी आसानी से हमने इसे बनाया है। दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।